नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNPost.com। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो चुके बाबा का ढाबा वाले 80 वर्षीय कांता प्रसाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं, लेकिन इस बार इसकी वजह कुछ और है। हैशटैग बाबा का ढाबा पर इस बार वायरल मीम बन रहे हैं और इसे स्कैम 1992 की तर्ज पर स्कैम 2020 द गौरव वासन स्टोरी भी बताया जा रहा है। दरअसल साउथ दिल्ली के मालवीय नगर वाले फेमस बाबा का ढाबा भोजनालय के मालिक कांता प्रसाद ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर गौरव वासन की शिकायत दर्ज कराई है और गौरव वासन पर यह आरोप लगाया है कि उनके सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद जब गौरव ने लोगों से उनके लिए डोनेशन के रूप में फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी, वो पैसा गौरव ने खुद के और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के अकाउंट में ट्रांसफर कराए थे। वो डोनेशन का पैसा उन तक नहीं पहुँचा और उन पैसों की हेरा फेरी हुई है। उन्होंने गौरव पर चीटिंग, मिसचीफ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया है, जिसकी जानकारी पुलिस ने रविवार को दी। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है, हालांकि अब तक कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। ये बात सामने आने के बाद इधर गौरव ने कहा कि उन्होंने कोई धोखाधड़ी नहीं की है और वह जल्द ही अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट पब्लिक करेंगे। बीते महीने सोशल मीडिया पर गौरव वासन ने एक वीडियो अपलोड किया था और दिल्ली वालों से इस कपल की हेल्प करने की अपील की थी, जिसमें बाबा का ढाबा के ओनर कांता प्रसाद रोते हुए अपनी आर्थिक हालत बयां कर रहे थे और इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद वह काफी फेमस हो गए थे और बाबा का ढाबा भी जमकर चल पड़ा था। इसके अलावा उन्होंने डोनेशन के रूप में भी काफी हेल्प मिली थी, जिसका सोर्स यूट्यूबर गौरव वासन बने थे और उन्हें 2 लाख का चेक दिया था। KYNPost के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।